नमस्कार, मैं अपराजिता श्री आप सभी का द ऑर्फन चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चाइना के मार्स मिशन की। जी हाँ, चाइना के हाथ एक और ऐतिहासिक जीत लगी है। वीडियो को आखिर तक देखें ये जानने के लिए कि क्या मिला है चाइना को, ऐसी कौन सी ऐतिहासिक जीत हाथ लगी है चाइना के। चाइना ने अपने रोवर को सक्सेसफुली मार्स पर लैंड करवा दिया है। चाइना के ऑफिशियल न्यूज ने यह बतलाया है कि चाइना का जुरोंग रोवर ने 15 मई को मार्स में लैंड किया है और हाल ही में 12 जून को रोवर ने कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए हैं, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बता दें कि ये लैंडिंग चाइना का पहला लैंडिंग है किसी और प्लैनेट में। इस लैंडिंग के साथ चाइना ने एक इतिहास रच दिया है। इस लैंडिंग के साथ वह दुनिया का वह तीसरा देश बन गया है यूएसएसआर और यूएसए के बाद जिसने मार्स पर लैंड किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया भी तो मार्स पर गया था, तो मैं बतला दूं आपको कि इंडिया का जो मार्स मिशन था मॉम, वह मार्स ऑर्बिटल मिशन था, एक लैंडिंग मिशन नहीं था। वो एक ऑर्बिटल मिशन है। वो इसका मतलब हमारा प्रोब मार्स के आसपास घूम रहा है मगर मार्स पर लैंडिंग नहीं हुई है। अब बात करते हैं ताइवान वन मिशन की। जुरोंग रोवर ताइवान वन मिशन का हिस्सा है जिसने मार्स के ऑर्बिट में फरवरी में एंट्री की थी। ताइवान मिशन चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA का मिशन है। ताइवान वन मिशन के चार कंपोनेंट्स हैं। पहला ऑर्बिटर, दूसरा डिप्लोएबल कैमरा, तीसरा लैंडर और चौथा जुरोंग रोवर। ऑर्बिटर का काम है मार्स के इर्द गिर्द घूमना, डिप्लोएबल कैमरा का काम है वहां की तस्वीरें खींचकर वापस पृथ्वी पर भेजना, लैंडर का काम है वहां जाकर लैंड करना सक्सेसफुली, और जुरोंग रोवर का काम है वहां जाकर चलना। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यह एक छोटी सी गाड़ी है, यहाँ वो चलती है और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करकर वो वापस पृथ्वी पर भेजती है। इस स्पेसक्राफ्ट का पूरा वजन 5 टन है। कहा जाता है कि यह आज तक का सबसे भारी प्रोब है जिसको मार्स पे भेजा गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है ताइवान वन मिशन का टाइमलाइन 2016 से लेकर 2021 तक का। इसे काफी वर्ष लगे हैं इतनी सफलता प्राप्त करने के लिए। कौन से देखे स्क्रीन को तो कई वर्ष लगे इन्हें यह सफलता प्राप्त करने। जुरोंग रोवर ने यूथोपिया प्लैटिनिया पर लैंड किया, जिसे कहा जा रहा है कि यह कई वर्ष पहले एक ओशन हुआ करता था जो सूख चुका है और अब एक खाली बंजर जमीन बन चुका है। जुरोंग रोवर एस्ट्रोबायोलॉजिकल है नेचर में, मतलब यह वहां पता लगाएगा कि वहां कोई प्रेजेंट या पास्ट लाइफ हुआ करता था या नहीं, और साथ ही यह रोवर एस्ट्रोनॉमी का भी काम करेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रायता श्री आप सबसे अब इजाजत चाहूंगी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।